हेलो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज से हमारे सोलन शहर में शूलिनी मेले का शुभारंभ हुआ है। यह मेला हर माह जून महीने में लगता है। मेले में विभिन्न शहरों से लोग अपना विभिन्न प्रकार का सामान बेचने आते हैं। आज मैं आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ऊना जिले से आए हुए एक ग्रुप सदस्य के बांस के उत्पाद दिखाती हूँ। आप देख रहे हो इन्होंने कितने सुंदर उत्पाद बांस से बनाए हुए, बहुत सुंदर जो है काम इसमें किया हुआ है। बहुत बारीकी से नक्काशी हुई हुई है। बांस से बहुत प्रकार के प्रोडक्ट बनाए हैं, शोपीस बनाए हैं। आप देख ही रहे हो, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखो देखो कितने सुंदर प्रोडक्ट है। बहुत सारे जो है शोपीस बनाए हुए, छोटे छोटे भी बनाए हुए। ये देखो बांस की बोतल बहुत सुंदर बनी हुई है, बांस की बोतल है। साथ में जो है गणपति भगवान भगवान जौन से है, वो तो बहुत ही अच्छे है। बांस की बोतल है, कलम है, पेंसिल्स है, पेन स्टैंड है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। आओ आपको रूबरू कराते हैं उस सदस्य से जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाए हैं। इनका नाम अजय जी है और ये उना से। अब उसका मैं कुछ एक प्लांट लगाया हुआ है, वो आपको फिर बताऊंगा। मैं उसका मैं स्ट्रो बना रहा हूँ। लगाते हैं मतलब ये है ना, बांस अपना ही है, बाहर से नहीं लेते। अभी हमारे आपके डायरेक्टर हैं अभी राघव जी, अभी वो तो बोल रहे थे। और सर मैं कम से कम 1 लाख पौधे लगवाने की जमीन दे सकता पूरे गांव की, लेकिन हमारे पास ये है कि आग बहुत ज्यादा लगती है। सर तार है रखी हुई, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा फिनिशिंग भी अच्छी है ना। तार में रखी काट के, लेकिन वो ये कि बड़ी बनाती है कीड़ी के टोकरियाँ। हाँ, आपका नाम क्या है सर? अजय कुमार। अजय जी, नहीं हमने कोशिश की थी ना सर पहले यहाँ पे नेरीकला में नीचे, तो वो बताते हैं कि जो उनके बांस है ना उसके नहीं बनते, इसके लिए मोटा बांस चाहिए होता है। नहीं मैम, नहीं एक दूसरा बांस होता है। ये देखो क्लिप, दिखाओ 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 मैडम को, लगा लगाना नहीं है ये, मैम ने ब्लॉग में लेना है सारा। ये है क्या बोलते हैं इसको, तब में क्या आएगा ना मेरे, टर्टल टर्टल। ये मैंने रूटर का काम, सीएनसी रूटर का काम सीखा था किसी के पास। अच्छा, फिर वहाँ पे जो मैंने चीजें बनाई थी, फिर उन्होंने कहता आप ही ले जाओ ये मशीनरी लगाने की। लकड़ी कोई और है, बांस तो नहीं है ना ये, बांस नहीं, ये लकड़ी, ये लकड़ी ना बारीकी का काम, ये भी लकड़ी है, बारीकी का काम हुआ इसमें। ये देखो ये बांस के कोस्टर है, बहुत सुंदर बने हुए, और इसमें राधा कृष्ण की कलाकृतियां की हुई है। ये बांस के है, ये देखो कितना सुंदर कलाकृति की हुई है। इसके साथ ही ये देखो ये जो है जहाज, समुद्री जहाज जैसे पता नहीं कुछ ऐसा बनाए हुए, बहुत सुंदर है। ये बॉटल है, इसके अंदर कुछ है फूल जैसे, और ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी है, लैंप इत्यादि बांस से बने हुए। और ये देखो टर्टल, ये कलम, ये कप, और ये जो कंघियाँ हैं नीम की, ये भी अद्भुत है। और जो तो गणपति है, ये तो अद्भुत से भी अद्भुत है, बहुत सुंदर बने हुए, बहुत सुंदर। आप नज़दीक से देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, बहुत सुंदर है। विलुप्त हो गई अब हमारे लोकल में खरीदते हैं, हमारे यहाँ विलुप्त हो गई अब कल में ना। हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि बच्चों को, हमारे बच्चों को पता नहीं है कि हम किसने किस चीज से लिखा हुआ है। हाँ। बाल पेन चाहिए हमें, अभी इंक वाला पेन चाहिए, जेल पेन चाहिए। सही है, सही है, सही है। तो रखा है कि ये भी दिखाओ बच्चों को। हाँ, सही, आपके मम्मी पापा कैसे लिखते थे। तो दोस्तों बताना आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे, आपको जो मैंने बांस के प्रोडक्ट दिखाए। अगर आप सोलन शहर में रहते हो तो कृपया जरूर जब मेले में आए तो यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जो स्टॉल लगे हैं इसका दौरा जरूर करें। और यहाँ पे और भी बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारे उत्पाद हैं घर के बने हुए जो हमारी महिलाओं ने लाए हुए हैं। तो आप
मेले में आए तो इस जगह जरूर आए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।